بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद है कि आप सब ईमान सेहत आफियत और बरकत के साथ होंगे. आज हम शमाइले तिर्मिजी का सबक नंबर 53 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है बाबू मा जा फी सिफति वुजूई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद तआमी, यानी के बाब जो कि आया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के वक्त वुजू के जिक्र के बयान में. तो देखिए वजू अगर ये फतह के साथ हो यानी जबर के साथ हो तो इससे मुराद होगा वो पानी जिससे तहारत हासिल की जाती है, और अगर वुजू ये जम्मा के साथ हो यानी पेश हो वाव के ऊपर तो फिर इससे मुराद होगा हुसूल तहारत का मारूफ अमल. अब देखिए यहाँ ये जो जिक्र किया इन द कामी, तो खाने के वक्त से मुराद आम है, खाने के बाद हो या पहले हो. तो देखिए वुजू इस्तिलाही तो वही है जो नमाज के लिए शर्त है और नमाज के औकात में जो किया जाता है, सब इसको तो जानते हैं, लेकिन लुगत अरब में सिर्फ हाथ मुंह धोने को भी वुजू कहा जाता है, और ये वुजू फिर वुजू लुगवी के नाम से मशहूर है. तो देखिए इस बाब में हम दो तरह की रिवायात पढ़ेंगे. बाज रिवायात से वुजू करना मालूम होता है और ये दूसरा वुजू कहलाता है जो कि वुजू लुगवी है, और बाज रिवायात से वुजू ना करना मालूम होता है. तो ये वुजू ना करना ये वो वुजू होगा जो वुजू इस्तिलाही कहलाता है. लफ्ज तआम को देखिए, उर्फ में तआम हर वो चीज होती है जो खाई जाए, तो फुकहा के नज़दीक हर वो चीज़ जिसके खाने का इरादा किया जाए, चाहे वो ग़िज़ा हो, सालन हो या फिर कुछ मेवा हो, यानी खाने की हर चीज़ जो है वो तआम में दाखिल होगी. हदीस की इबारत देखिए, بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عجوبة عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا لا نأتك بوزوء قال إنما أمرت بالوزوء इज़ा कुमतु इला सलाती. इमाम तिर्मिज़ी रहिमहुल्ला फरमाते हैं कि हमें ये रिवायत अहमद बिन मनी ने बयान की, इनको ये रिवायत इस्माइल बिन इब्राहिम ने बयान की, उन्होंने ये रिवायत अय्यूब से इब्ने अबी मुलैका के वास्ते से रिवायत की, और उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत नकल की. हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब के बैतुल खला से फरागत पर बाहर तशरीफ लाए तो आपकी खिदमत में खाना हाजिर किया गया और वुजू का पानी लाने के लिए पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे वुजू का इस वक्त हुक्म है जब नमाज अदा करूं. अल-खलाई खाली जगह को कहते हैं, इससे मुराद बैतुल खला है. अल-वुजूई फतह के साथ यानी जबर के साथ पानी मुराद है. قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى صلاتي. देखिए हदीस का मजबून तो तर्जमतुल बाब में वाज़े कर दिया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इरशाद में वजाहत फरमा दी कि मुसलमान खाना खाने से पहले वुजू को वाजिब समझकर अपने लिए लाजमी करार ना दे. मतलब ये कि वुजू इस्तिलाही का वजूब नमाज ही के लिए है, खाने के लिए या जब इस्तंजा वगैरह से फरागत हो तो फौरन वुजू करना ज़रूरी नहीं है. यह हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इनकार फरमा दिया कि ये ज़रूरी ना समझ लिया जाए कि जब इस्तंजे से फरागत हो तो वुजू किया जाए. तो यहाँ पर फुकहा फरमाते हैं कि वुजू शरई नमाज पंजगाना, नमाज जनाजा, सजदा तिलावत, या जब कुरान पाक को छुआ जाए या इरादे तवाफ के वक्त वुजू करना वाजिब है, और खाने से पहले या बाद में वुजू उर्फी या लुगवी ये मुस्तहब है. और देखिए इस हदीस से ये नहीं मालूम होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुगवी वुजू यानी हाथ धोना और कुल्ली करना भी नहीं किया.
यहाँ पर जिस वुजू से मना किया गया है वो वुजू इस्तिलाही है, यानी नमाज वाला वुजू। हाथ धोना, मुंह धोना या कुल्ली करने से मना नहीं किया गया। अगली हदीस की इबारत देखिए। وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الهويرسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأوتي بطعام فقيل له ألا تتوزأ فقال أصلي فأتوزأ। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हमें ये रिवायत सईद बिन अब्दुर्रहमान मखज़ूमी ने बयान की, उनके पास ये रिवायत सुफियान बिन उयैना ने अमर बिन दीनार के वास्ते से बयान की, उन्होंने ये रिवायत सईद बिन हुवैरस और उन्होंने सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल की। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा इस्तंजा से फारिग होकर तशरीफ़ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया गया। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने पूछा, क्या वुज़ू नहीं फरमाएंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इस वक्त मुझे नमाज पढ़नी है कि वुज़ू करूँ? अलगौती ये पस्त ज़मीन के माना में भी आता है, पखाना करने की जगह को भी कहा जाता है और गढ़ा और खोदना भी इसमें दाखिल है। बाब तफाउल, पखाना करना। अलगौती गौतुन से है, बामाना खोदने के, दाखिल होने और धस जाने के लिए भी ये बोला जाता है। तो गाइत नरम कुशादा और हमवार ज़मीन को कहते हैं जो पस्त हो। चूँकि लोग पखाने के लिए ऐसी जगह तलाश करते थे इसलिए यहाँ पर अलगाइत से इसको ताबीर किया गया है। तो देखिए, पहली रिवायत जो हमने पढ़ी उसमें खरज मिन अलखलाई के अल्फाज हैं और यहाँ खरज मिन अलगाइती के अल्फाज हैं। तो मकसद दोनों रिवायात का एक ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत से फारिग हुए तो वुज़ू किए बग़ैर खाना तनावुल फरमाया। और फिर तवज्जो फरमाने के लिए, यानी लोगों को तवज्जो दिलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसल्ली फअतवज़्ज़ा, यानी वुज़ू तो नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी है, इस वक्त मुझे नमाज पढ़नी है कि वुज़ू करूँ। इसलिए यहाँ ये बात मालूम हुई कि खाने के लिए वुज़ू करना मुस्तहब नहीं है। हाँ, अलबत्ता वैसे ही हर वक्त बावुज़ू रहना ये ओला और बेहतर है, क्योंकि ज़ाहरी तहारत का असर बातिन पर भी पड़ता है। इसलिए अगर इस्तंजे वगैरह से फरागत पर वुज़ू कर लिया जाए तो फिर ये बेहतर है, अहसन है, अच्छा है। أغلي حديث كي عبارة دكي وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع تحويل وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجانيشو عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاجانا عن سلمانا قال قرأت في التوراة إنا بركت الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हमें ये रिवायत यहिया बिन मूसा ने बयान की। वो फरमाते हैं कि हमें इसे अब्दुल्ला बिन नुमैर ने बयान किया। वो फरमाते हैं कि हमें क़ैस बिन रबी ने बयान की। तहवील, हमें ये रिवायत क़ुतैबा ने बयान की। वो फरमाते हैं कि हमें अब्दुल करीम जुर्जानी ने बयान की। उन्होंने ये रिवायत क़ैस बिन रबी से और उन्होंने अबी हाशिम से रिवायत की। उन्होंने ये रिवायत जाजान से और उन्होंने सहाबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से समाअत की।
سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے سے فراغت کے بعد وضو یعنی ہاتھ منہ دھونا برکت کا سبب ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مضمون عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو یعنی ہاتھ منہ دھونا برکت کا سبب ہے۔ دیکھیے، جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تورات میں پڑھا ہوا سبق ان برکت الطعام الوضوء بعدہ کہ کھانے سے فراغت کے بعد وضو یعنی ہاتھ دھونا برکت کا سبب ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور بعد دونوں موقعوں پر ہاتھ منہ صاف کرنا اور ان کی طہارت کرنا یہ باعث برکت ہے۔ تو دیکھیے، یہاں وضو سے مراد وضو لغوی ہے، اصطلاحی نہیں ہے۔ یہاں پر علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کے حوالے سے بات کی ہے، ہو سکتا ہے کہ تورات میں صرف کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونے کا ذکر ہو، تو اس صورت میں جو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا ذکر ہے یہ شریعت محمدی کا اضافہ ہو۔ تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے کھانا کھانے سے پہلے وضو یعنی ہاتھ منہ دھونے کا اضافہ بھی اس لیے کیا تاکہ کھانے کی نعمت کا استقبال ہو اور وہ استقبال طہارت سے کیا جائے، تاکہ کھانے جیسی نعمت کی تعظیم ہو سکے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تورات میں کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں وقتوں میں ہاتھ منہ دھونے کا حکم ہو، مگر تحریف کی وجہ سے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم اس سے حذف کر دیا گیا ہو۔ پھر آگے فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، تو علماء کرام نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ کھانے میں زیادتی ہوتی ہے، کھانے والوں کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے برکت کا مفہوم یہ ہے کہ جن فوائد اور مقاصد کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے وہ پورے ہوتے ہیں، بدن کا جزو بنتا ہے، طبیعت میں نشاط پیدا کرتا ہے، اور عبادات اور عمدہ اخلاق پر تقویت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے، اور بعد میں ہاتھ دھونا یہ جنون کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت زیادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھو لیا کرے۔ اللہ ہمیں قرآن اور احادیث کا صحیح علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔